दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने दुनिया का कोई भी बॉलर ऐसा नहीं छोड़ा जिसको छठी का दूध याद न दिलाया हो, चाहे उसमें रावलपिंडी एक्सप्रेस सोहेब अख्तर हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर शेन वॉर्न। कुछ एक बॉलर ऐसे भी थे दोस्तों जिनका कैरियर ही सहवाग ने खत्म किया था, जैसे कि अजंता मेंडिस। सनंत जयसूर्या का बॉलिंग करने का भूत ही सहवाग ने उतारा था, लेकिन ये कहानी लाला वर्सेज लाला की है। सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग को लाला कहकर बुलाते थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को लाला बुलाते थे। और जब इन दोनों लालाओं का आमना सामना हुआ तो पाकिस्तानी लाला को सहवाग ने छठी का दूध याद दिला दिया और भविष्य में सहवाग के सामने बॉलिंग करने का भूत उतार दिया। दोस्तों मैच की कहानी पर आए तो मैच की शुरुआत 2005 में विशाखापट्टनम में होती है, जब भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। स्ट्राइक पर वीरेंद्र सहवाग और बॉलर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी में इतना डर कि पहली ही बॉल वाइड, दूसरी बॉल पर सहवाग ने चौका जड़कर अपना और भारत का खाता खोल डाला। वैसे ये चौका इनसाइडर्स के चलते आया था, परंतु चौथी बॉल पर विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग का एक तकड़ा कट शॉट और बॉल सीधा बाउंड्री पार। पहले ओवर में भारत का स्कोर 9 रन था। पारी का तीसरा ओवर और फिर से बॉल मोहम्मद शमी के हाथों में और दूसरी बॉल पर ही सहवाग ने इस पारी का पहला छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर फिर से सहवाग ने कड़ा प्रहार करते हुए चौका जड़कर इस ओवर में कुल 13 रन कूट डाले। परंतु दोस्तों चौथी ओवर की दूसरी बॉल पर सचिन तेंदुलकर एक टफ सिंगल चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। सचिन ने 8 गेंदों में मात्र 2 रन बनाए थे। हालांकि वीरेंद्र सहवाग बेखौफ बल्लेबाजी कर रहा था और इसी ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने चौथी बॉल पर फिर से एक बड़ा और खूबसूरत छक्का जड़ दिया और फिर इसी ओवर की लास्ट बॉल पर सहवाग ने खड़े खड़े बिना पैरों को हिलाए डुलाए एक चिकी शॉट लगाकर बाउंड्री तक भेज दिया। कप्तान सौरभ गांगुली ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी पर भेजा था और भारत अब तक 4 ओवरों में 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना चुका था। वीरेंद्र सहवाग ओवर दर ओवर और भी घातक होते जा रहे थे। भारत 8 ओवरों तक 70 रन बना चुका था, जिसमें वीरेंद्र सहवाग मात्र 26 गेंदों में 7 चौके व 2 छक्कों के साथ अपना 50 जड़ चुके थे। दोनों तरफ से पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों की पिटाई होते देख पाकिस्तानी कप्तान ने पारी का 9वां ओवर शाहिद अफरीदी को दे दिया, जिसमें धोनी ने 2 बॉल खाली खेलकर चौथी बॉल को चौके में तब्दील कर दिया। परंतु इस चौके से टिलमिलाए अफरीदी धोनी को अनाप शनाप बोलने लगे, जिसके जवाब में धोनी ने अगली बॉल पर एक बड़ा और खूबसूरत छक्का जड़कर अफरीदी को इसी ओवर में 12 रन कूट दिए। लेकिन दोस्तों मजा आया पारी के 11वें ओवर में, जब सहवाग का सामना हुआ शाहिद अफरीदी से। सहवाग ने उस अहंकारी प्लेयर को आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। चौका लगते ही फील्डिंग में तब्दीलियां की गई, लेकिन सहवाग ठहरे सहवाग। सहवाग ने लेग साइड में स्वीप करते हुए दूसरा चौका इस ओवर में जड़ दिया। कप्तान इस्मामुलक ने आकर शाहिद अफरीदी से बात की, फिर से फील्डिंग चेंज की गई, परंतु सहवाग ठहरे सहवाग। सहवाग ने तीसरी बॉल पर फटका मारते हुए फिर से लगातार तीसरा चौका जड़ दिया और भारत इसी चौके के साथ 100 रन का आंकड़ा पार कर चुका था। चौथी बॉल अफरीदी ने साइड बदली, परंतु सहवाग ने फिर से वही पुराना नुक्ता अपनाते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों सहवाग ने कुल 4 चौकों के साथ अफरीदी को इसी एक ओवर में 17 रन कूट डाले और अफरीदी की इतनी बुरी तरह से कुटाई की कि इंजमाम ने अफरीदी को बॉलिंग से हटा ही दिया। मानो सहवाग ने आज शाहिद अफरीदी का बॉलिंग करने का वो भूत उतार दिया हो। लेकिन सहवाग भी अपना आक्रामक अंदाज बनाए हुए थे और 14वें ओवर में नवेद उल हसन को एक चौका मार दिया, लेकिन फिर से बॉल को बाउंड्री पार करने के चक्कर में सहवाग कैच आउट हो गए। दोस्तों जब सहवाग आउट हुए तब भारत का स्कोर मात्र 13.4 ओवरों में 122 रन था और वीरेंद्र सहवाग तब 12 चौके व 2 छक्कों के साथ मात्र 40 गेंदों में 74 रन पर खेल रहे थे। हालांकि इस मैच को हम महेंद्र सिंह धोनी के पहले शतक 148 रन के लिए भी याद करते हैं। धोनी ने मात्र 123 गेंदों में 15 चौके व 4 बड़े बड़े छक्कों के साथ 148 रन की पारी खेली थी। यूं तो सहवाग के बाद फिर धोनी ने भी शाहिद अफरीदी का बॉलिंग का भूत उतारा था। 40वें ओवर में 2 छक्कों के साथ धोनी ने कुल 18 रन अफरीदी को कूटे थे और भारत ने कुल 50 ओवरों में 356 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम अब्दुल रज्जाक की 88 रन व मोहम्मद यूसुफ की 71 रन की पारी के चलते कुल 298 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत 58 रन से इस मैच को आसानी से जीत गया। लेकिन सहवाग की धुआंधार पारी ने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को शुरुआती ओवरों में पूरी तरह से धराशायी कर दिया था और उसी का फायदा उठाते हुए धोनी ने 148 रन की बड़ी व खूबसूरत पारी खेल डाली। हालांकि धोनी को इस मैच का हीरो चुना गया, परंतु सहवाग के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में सहवाग की और खतरनाक वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकें। धन्यवाद।